नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इसको फार्मूले से करेंगे आप तो बहुत ही टाइम लगेगा। आइए इसे डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। 5% का मतलब 1/20। 20 है क्रय मूल्य, 1 ऐड हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 21। 20 से 21 CPSP ए। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 11 इसकी मल्टीप्लाई 20 दाम 200, 11 से गुणा कराएंगे 21 की तो आ जाएगा 231। विक्रय मूल्य सी का दिया हुआ है 2310, 2310 231 बता रहा है 2310 को, तो 1 बताएगा 10 को, तो ये वैल्यू ए की है, ए से मल्टीप्लाई करा देंगे 200 × 10 बराबर 2000 रुपये। ए का लागत मूल्य 2000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 264 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछली वाली क्वेश्चन की तरह है। देखते हैं 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। 10 रुपये है क्रय मूल्य, 1 रुपये ऐड हो जाएगा तो 11 रुपये हो जाएंगे विक्रय मूल्य, 10 से 11 CPSP। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6 इसकी मल्टीप्लाई 10 बच्चे 50, 11 छक्का 66, 66 बता रहा है कितने को 264। तो 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 6 कम 6, 6 चौक 24, एक वैल्यू बता रहे 4 को, तो 50 बताएगा कितने को 50 × 4 बराबर 200 रुपये, तो ए का लागत मूल्य 200 रुपये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 की ग्रह चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर शेष 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% लाभ होता है, कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। ऐसे ही कुछ इसमें क्वेश्चन पूछ सकता था कि 18% लाभ पर उसने कितनी मात्रा बेची। तो आइए इसे देखते हैं। अगर आप इसे फार्मूले से करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से तो ये कम से कम बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से लगाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट लग ले जाएगा, परंतु इसे हम एलिगेशन से लगाते हैं तो ये बहुत ही 20 या 25 सेकेंड में सवाल खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। 18% प्रॉफिट,
8% कुल 14। इसके बड़े में से छोटा घटाया जाता है तो 14 में से 8 चले गए 6, 18 में से 14 चले गए 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3:2, 5 बता रहा है 1000 को तो 1 बताएगा 200 को। अब आपसे पूछा है कि 8% लाभ पर कितना बेच रहा है, तो 8% की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 200 बराबर 400 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। महेश 10,000 में एक स्कैनर तथा एक प्रिंटर खरीदता है, वह स्कैनर को 20% लाभ पर तथा प्रिंटर को 10% की हानि पर बेच देता है, यदि उसे इस तरह 8% लाभ होता है तो स्कैनर व प्रिंटर के क्रय मूल्य बताओ। तो एक तरफ लिखते हैं स्कैनर 2 प्रिंटर, स्कैनर को 20% का लाभ, प्रिंटर को 10% की हानि, टोटल 8% का प्रॉफिट। तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, 8 में से माइनस 10 चले गए तो कितना 18, और 20 मते 8 12, 6 3 18, 6 2 12, 3:5 बता रहा, 3:2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 बता रहा है 10,000 को, 1 बताएगा 2000 को, तो स्कैनर की वैल्यू कितनी है 3, 3×2000 इक्वल टू 6000 रुपये, प्रिंटर का मूल्य 2×2000 बराबर 4000, तो स्कैनर का मूल्य आ गया 6000 रुपये, प्रिंटर का मूल्य 4000 रुपये। इस सवाल में यह भी पूछ सकता था स्कैनर व प्रिंटर के बीच का अंतर कितना है, मूल्य में कितना अंतर है, तो इसका अगर अंतर निकालेंगे तो 6000 में से 4000 चले गए तो 2000 बचा। कुछ भी पूछे सवाल को बहुत ही सरल तरीके से कर देना है। जब एलिगेशन विक्रय मूल्य में लगाया जाता है तो क्रय मूल्य प्राप्त होता है, ये एलिगेशन चैप्टर में बताया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, परंतु जो हम तरीका बताने जा रहे हैं वो सबसे बेहतर तरीका है। आइए देखते हैं, 240 जो घटना पहले घटित हो रही है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे हर में रखते हैं, 100 माइनस 10। अब जो घटना बाद में घटित होती है उसे अंश में रखते हैं, 100 प्लस 20, 240 गुणे 120
अपान 90, जीरो से जीरो कैंसिल, तीन तिया 9, तीन चक्कू 12, तीन एकम 3, तीन वठ 24, 80 गुड़े 4, 8 चक 32, 320 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 5% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो। पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह सेम टू सेम लगाते हैं। आइए देखते हैं 570, मैंने क्या कहा था, जो पहले घटना घटित हुई है वो हर में 90, 100 माइनस 5 95, अंश में 100 प्लस 5 570 गुणे 105 अपान 95। 19 पंचे 95, 19 तिया 57, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 30 इंटू 21 मल्टीप्लाई 0, 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है, यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो CP रेशियो SP दिया हुआ है 13:9, 13 रुपये थे, 9 रुपये रह गए, कितने का लॉस हुआ, 4 बता रहा है 320, 4 एकम 4, 4 वठ 32, यानी एक बता रहा है 80 को। अब सीपी में सीपी निकालने के लिए 13 से मल्टीप्लाई, 13 8 104, SP निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई 9, 9 8 72, 720 रुपये। क्रय मूल 1040, विक्रय मूल 720 रुपये। अगर इसमें आपसे अंतर पूछे तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए, अगर योगफल पूछे तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कुछ भी सवाल में पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तब अगर सवाल में कहे कि इतने परसेंट की लाभ या इतने परसेंट का हानि हुआ, अगर लाभ और हानि बराबर है तो अगर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो ये जो वैल्यू दे रखी होती है ये इसका यूज नहीं होता है। अगर इसका यूज नहीं होगा तो ये सवाल मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, जब सेम कहे 10% के प्रॉफिट 10% का लॉस, तो डायरेक्ट शॉर्टकट इसका होता है R² / 100, 10² / 100, 100/100 = 1%।
इसमें यह होता है अगर जितने का लाभ हो उतने का नुकसान हो तो ऑलरेडी हानि होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 9% लाभ पर बेचता है, यदि वह 64 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 13% का लाभ होगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आइए देखते हैं। सीपी 100 रुपये सपोज करते हैं, 9% का लाभ 109, 13% का लाभ 113, इन दोनों के बीच डिफरेंस 4 बता रहा है 64 को, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1 बता रहा है 16 को, और सपोज किया था सीपी कितनी 100, 16 मल्टीप्लाई 100, 1600 रुपये। आइए इससे भी डायरेक्ट तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे क्या देखा, अगर दोनों में प्रॉफिट होता है तो इसका अंतर कर लेते हैं 9 13, डिफरेंस 4 बता रहा है कितने को 64, 4% बता रहा है 64 को, 1 बताएगा 16 को, 1% 16, और तो 100, हर एक वैल्यू 100% होती है तो 100 बताएगा 1600, जो बेहतर लगे उसे कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको 2 तरीके पहले ही बता चुका हूं। तो अगर आप देखेंगे 7% क्या हो रहा है हानि, तो माइनस 9% का प्रॉफिट तो प्लस चिन्ह, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 16%, 16 बता रहा है 80 को, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 1% बता रहा है 5 को, तो 100% कितने को बताएगा 100% बताएगा 500 को। ये 500 आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य है। अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता है तो देख सकते हैं, जैसे सीपी सपोज करते हैं 100, 9% का लॉस, 7% का लॉस 7, तो कितना आ जाएगा 93, 9% का प्रॉफिट 109, डिफरेंस कितने का 16 बता रहा है कितने को 80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, और सीपी सपोज की थी 100, 100 मल्टीप्लाई 5, 500 रुपये। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं अच्छी तरीके से समझ में तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आइए जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था वो उसका आंसर करते हैं। कल का होमवर्क का क्वेश्चन है जो पिछले पार्ट 2 में वीडियो में डाला था। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने कल क्या बताया था, सीपी निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य दे रखा होता है 20 माइनस जो कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो माइनस
चार सीपी बराबर 16, तो लाभ प्रतिशत बराबर 4। और लाभ और हान हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य कितना है 16, 4 × 4, 4 × 4, 16, 1/4, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना होता है 25%। जिस जिसने कमेंट बॉक्स में 25 किया है वो आंसर एकदम सही है। आज आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में देने जा रहा हूं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए आइए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और जो भी इसका आंसर है ए बी सी डी इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। एक किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है, बी सी से 25% मुनाफा लेकर वह वस्तु बेच देता है, यदि सी को 225 रुपये भुगतान करना पड़े तो ए ने इसके लिए कितने रुपये का भुगतान किया। ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 125 रुपये, ऑप्शन सी 150 रुपये, ऑप्शन डी 175 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।